हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील अप स्पोर्ट्स। मेरा नाम इमरान है और आपका मेरे चैनल पे दोबारा बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है। आज के वीडियो में मैं कुछ नई चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, नई मतलब थोड़ी सी अलग चीज़ बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो क्या है, किस बारे में है, मैं क्या लेके आया हूँ आज के वीडियो में, यह सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और ये वीडियो जिनके लिए स्पेशली है, अगर आपके कलीग्स या किसी के यूज़ में ये वीडियो होगी तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो क्या है, आज का वीडियो में मैं कुछ नए बैट्स या कुछ न्यू टाइप का बैट नहीं लेके आया हूँ। आज के वीडियो में मैंने मेरे बैट्स लेके आया हूँ। मेरे बैट्स इन द सेंस सारे बैट मेरे ही है जो मैं बनाया हूँ। मेरे बैट्स का मतलब है जो बैट्स मैं खुद पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ। तो मुझे बहुत से बार क्या होता है, बहुत से बार क्वेरीज आती है कि सर आप अपने पर्सनल बैट्स सेल क्यों नहीं करते, जो आपने यूज़ कर चुके हो वो आप क्यों नहीं देते, या आप वो दे सकते हो क्या। तो कुछ लोग हैं जिन लोगों को इंटरेस्ट है, या जो लोग इंटरेस्टेड है यूज़ किए हुए बैट्स को लेने, या कुछ लोगों का उतना बजट नहीं होता, बहुत सारे रीज़न है। बट मेन रीज़न ये है कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया कि सर आप जो बैट्स खेलते हो, आप बैट्स चेंज करते होंगे, तो आप जो बैट यूज़ कर चुके हैं उसको आप सेल में क्यों नहीं निकाल देते। तो वो ख्याल से ही ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं मेरे दो बैट्स आपको बताने वाला हूँ जो मैं सेल में निकालूंगा, जो मैं खुद पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, बिकॉज मैं खुद खेलता हूँ। पहले लेदर खेलता था, अभी भी टेनिस पे खेलता हूँ, तो मेरी जो है बैट्स चेंज होते रहती है। तो जो मेरे पुराने जो दो बैट्स थे जो मैं यूज़ कर चुका हूँ काफ़ी टाइम से, वो मैं आज के सेल वीडियो में डाल रहा हूँ। अगर किसी को बैट पसंद आए या किसी को लेने में इंटरेस्टेड है तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ओके, तो चलिए मैं बताता हूँ, दो बैट्स है। पहला बैट है विदाउट स्कूप, जिसको पीछे से कट नहीं है, विदाउट स्कूप बैट है। ये प्योर कश्मीर विलो ग्रेड वन बैट है। ये बैट स्पेशली बनाया गया था मेरे यूज़ और मेरे वेट के हिसाब से, कितना मुझे वेट चाहिए था उसके हिसाब से इसको स्पेशली बनाया हुआ था। तो आप बैट का शेप देख सकते हैं, बैट का शेप थोड़ा सा अलग है। ये कस्टमाइज बैट था, मुझे मेरे हिसाब से बनवाना था, तो इसका शेप आप देख सकते हैं, ब्लेड से मैंने काफ़ी उठाया इसको, बॉटम पे नीचे है, यहाँ से दबाया हुआ, ठीक है। और इस बैट का मैं आपको क्लोज व्यू देता हूँ पहले। ये देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पर आपको ग्रेन्स काफ़ी क्लियर है, और ज़्यादातर जो है स्ट्रेट ग्रेन्स है, एकदम सीधे ग्रेन्स, जो नॉर्मली इंग्लिश विलो में आप देख सकते हो उस टाइप के ग्रेन्स है इसमें। ये इसका साइड व्यू है, ये बैक व्यू। ये बैट ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, बहुत ही कम यूज़ किया है मैंने इसको। ये इसका सेकेंड साइड व्यू, आप देख सकते हो बैट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन है एकदम, नीचे से भी आप देख सकते हो। ये बैट है, टोटल 35 इंच का लेंथ है, और आप इसमें देख सकते हो फुल कैन हैंडल है, थ्री पीस फुल कैन हैंडल। इसका वेट है 1110 ग्राम। पहले ये बैट और हैवी था, इसको लाइट किया गया है, तो अभी इसका जो वेट है वो 1110 ग्राम है। और पंच इस बैट का सॉलिड है, जो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। इसका मैं आपको ब्लेड बता दूँ, इसका ब्लेड है, इसका ब्लेड तकरीबन 36-38 mm का ब्लेड होगा, और इसका स्पाइन काफ़ी ऊंचा है, आप देख सकते हो ये जो स्पाइन है, इसको स्पाइन बोलते हैं, ये काफ़ी उठा हुआ है। और ये टेनिस बैट के लिए है, तो टेनिस बैट पे इसका पंच काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये इस बैट का मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ, ये बैट का बैलेंसिंग वगैरह बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। और ये वेट थोड़ा सा 1100 के ऊपर है, तो जिन लोगों को वेट मैनेज हो सकता है उनके लिए बहुत ही अच्छा बैट है, पिकअप वगैरह काफ़ी अच्छा बैट का। ये आपको मैं इसका पूरा प्रोफाइल दिखाता हूँ दूर से, ठीक है। अब मैं इसको आपको तीन बॉल्स पर टैप करके दिखाऊंगा, एक है लाइट टेनिस बॉल, एक है हैवी टेनिस बॉल, और एक है रबर बॉल, जो बहुत लोग उसको स्टम्पर बॉल बोलते हैं। तो स्टम्पर बॉल मतलब जो रबर बॉल होता है, काफ़ी लोग रबर बॉल से खेलते हैं, टेनिस बॉल से नहीं खेलते हैं। तो मैं तीनों बॉल पे आपको इसकी टैपिंग करके दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग टैपिंग करेंगे लाइट टेनिस बॉल, जिसको गुड शॉट बॉल भी बोला जाता है, ये हल्का वेट का होता है। ये है मेरा बैट, आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली पंच हो रहा है,
काफी ऊपर तक जा रहा है, काफी अच्छे से पंच किया हुआ है बैट है ये। अब हम इसको देखेंगे स्टंपर बॉल पे, ये है स्टंपर बॉल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसको स्टंपर बॉल बोलते हैं, इसको टेनिस सॉरी रबर बॉल भी बोला जाता है बहुत जगह पर, काफी जगह पर इसको स्टंपर बॉल बोला जाता है। ब्रांड कोई भी हो सकता है, ये बेसिकली रबर बॉल होता है। तो ये जो बॉल है ये काफी बाउंस हो रहा है बिकॉज ये रबर है और वो सुपर तक जा रहा है। अब मैं आपको थर्ड बॉल से इसकी टैपिंग करके दिखाऊंगा, जो है हार्ड टेनिस बॉल। ये अराउंड 120-125 ग्राम का बॉल है, इसके ऊपर मैं भी आपको इस बैट की टैपिंग करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि तीनों बॉल पे इसका जो पंच है वो काफी अच्छा रिस्पांस दे रहा है। तो ये पहला बैट था जो आज के वीडियो में है, ये सेल में है। क्या प्राइस है, क्या है, कैसा डिटेल है, वो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अगर किसी को बैट पसंद है लेना चाहता है। तो दो चीज़, इस पर स्टिकर आपको नया लग के आएगा, ग्रिप आपको चेंज करके आएगी, उसका फिकर मत कीजिए, बाकी बैट की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे बैट की। यह है दूसरा बैट। अच्छा, अब इसमें ये एक अलग टाइप का बैट है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको इसका साइड भी बताऊँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश विलो का वुड है। ठीक है, तो ये इंग्लिश विलो ग्रेड टू है, ग्रेड वन इंग्लिश विलो ग्रेड टू का वुड है, जो मैंने पहले बनाया था ये बैट लेदर के लिए। उसके बाद में मैंने इसको स्कूप करके टेनिस किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसके पीछे स्कूप है। ठीक है, तो पहले आपको बैट का ओवरव्यू दूंगा इसके लिए। इसके ऊपर आप देख सकते हो कुछ बॉल मार्क्स है, क्योंकि इसको पहले लेदर के लिए बनाया हुआ था, लेदर पे टेस्टिंग किए थे, फिर बाद में मैंने इसको टेनिस के लिए बना दिया स्कूप बना के। आप देख सकते हो ग्रेन्स, गाइस ग्रेन्स एकदम क्लियर है बिकॉज ये इंग्लिश विलो वुड है। ठीक है, 5-6 ग्रेन्स हो गए इसके ऊपर। ये इसका साइड व्यू, ये इसका बैक व्यू। ठीक है, ये हल्का सा वुड का निशान है यहाँ पे, ये इसका सेकंड साइड व्यू। यहाँ पे इंग्लिश विलो की मार्किंग की हुई है बिकॉज ये इंग्लिश विलो वुड है। ठीक है, अब इसका जो हैंडल है ये टू पीस हैंडल है। ठीक है, मतलब स्टिफ हैंडल है, हार्ड हैंडल जिसको बोलते हैं वो है। और इसकी लेंथ है 34.5 इंच होगी इसकी लेंथ, क्योंकि ये इसको पहले लेदर के हिसाब से बनाया हुआ था। 34.5 इंच की लेंथ है। और इसका ब्लेड हम लोग चेक करते हैं, इसका ब्लेड है अराउंड 46 to 48 mm का ब्लेड है, मतलब काफी अच्छा स्ट्रोक देगा टेनिस बैट के लिए। प्लस ये प्रेस्ड वुड है इंग्लिश विलो का, तो इस पे बॉल बहुत अच्छे से बाउंस होगा। इसका वेट की बात करें तो इसका वेट है 1085 ग्राम्स। और ग्रिप तो आपको चेंज होकर मिलेगी, स्टिकर इस पे लग के मिलेगा अगर ये बैट कोई ऑर्डर करना चाहता है तो। अब इसमें एक बात है, ये बैट एकदम सीधा है। ठीक है, इसमें कॉनकेव बिल्कुल नहीं है। अगर टाइमिंग हुआ सही तो काफ़ी अच्छा शॉट जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें कॉनकेव नहीं है, बॉल घूमेगा नहीं। ठीक है, अब मैं इस पे आपको तीनों बॉल पे टैप करके बताऊंगा। सबसे पहले हमारा लाइट बॉल, इसके ऊपर तो लाइट बॉल पे फर्क भी नहीं पड़ेगा बिकॉज ये डबल प्रेस लकड़ा है, बॉल एकदम ऊपर तक जाएगा इसमें। ठीक है, अब हम टैप करेंगे रबर बॉल, जिसको स्टंपर बॉल बोलते हैं बहुत लोग, वो बॉल पे हम टैपिंग करेंगे ये वाले बैट पे। आप साउंड देख सकते हो, साउंड एकदम ठोस साउंड आ रहा है, क्योंकि ये प्रेस्ड वुड है, डबल प्रेस्ड है। जैसे रबर बॉल या लाइट टेनिस बॉल का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बैट में। अब बात करते हैं हमारे हैवी टेनिस बॉल की, जो 120-125 ग्राम वाला बॉल है। अब मैं उसको इस पर टैप करूंगा ये वाले बैट पे। आप साउंड देख सकते हो, साउंड से आपको समझ में आ रहा होगा कि बैट किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है, तो एकदम ठोस साउंड आ रहा है इसमें, इस वुड में। तो ये है दूसरा बैट जो सेलिंग के लिए। ये दोनों बैट्स मेरे पर्सनल बैट्स हैं जो मैं यूज कर चुका हूँ,
और जो मैं अभी फिलहाल में सेल करने के लिए डाल रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ में। और ये दोनों बैट्स में से, ये दो ही बैट्स है फिलहाल में, तो ये दोनों बैट्स में से अगर किसी को कोई बैट पसंद आती है या वो लेना चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पर्सनल मैसेज कीजिए और ये बैट जो है आप ऑर्डर कर सकते हो। ओके गाइस, तो वीडियो एंड करने से पहले मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिनको भी ऑर्डर देना है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।